तो गाइस जीटी बिकेट में जनों मैं आज आपके सामने कैसी स्टोरी पेश करने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। जी हां गाइस, ये स्टोरी होने वाली है एंटी वेनम ने अडॉप्ट करने की। कैसे एंटी वेनम ने मुझे अडॉप्ट किया था, उसके पीछे की रीजंस क्या थे और कैसे मैं उसका बच्चा बनके उसको बचाता हूं, तो आइए जानते हैं। और आप सब लोग मेरे चैनल से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे करके जाएंगे क्योंकि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं आज फिर से एम रखता हूं फाइट जोन लाइक का, आई होप आप करवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उस टाइम की जब मैं लॉस सैंटोस में घूम रहा था। मैं एक रेस्टोरेंट से चाय पी के निकल रहा था, जैसे मैं नीचे उतर जाता हूँ तभी मैं सामने देखता हूँ एक वेनम, एक एंटी वेनम को खत्म करने वाला था। ये मैं नहीं देख पाता और आगे। अबे ये क्या, वेनम एंटी वेनम को मार रहा है, ये तो गलत बात है। मेरे लॉस सैंटोस में खून करा पर नहीं हो सकता। वेनम तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी दिखी देती हट जा, एंटी वेनम को तू नहीं मार सकता। तू कौन है, ये ले। तू मुझे मारेगा, एक काम कर, तुझे अब बता दो मैं। ए साइड दीदी, साइड हट जा, हट जा, इस वेनम को बताता हूँ। अरे क्या कर रहा है, मेरे से डर गया। अरे डरा भी रहा कुछ नहीं, रुक जा तेरे को बताता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है, मेरे को कहाँ पे पकड़ा है। नहीं कहाँ पे लेके जा रहे, छोड़ दे। अब आ रहा मजा, मेरे से पंगा ले रहा था, एंटी वेनम को मारने की कोशिश कर रहा था। एंटी वेनम मैं तुझे बचा के रहूंगा, जल्दी आ जा। वेनम फिर से आ जाएगा, मैंने उसको भगा दिया है। एंटी वेनम क्या कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन ये क्या, तूने मुझे बचाया, तू मेरा नाम जानता है। अरे तू एजेंट है ना एवेंजर्स का। अरे हाँ एजेंट है, एजेंट है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अरे मेरा बच्चा मार दिया यार वेनम ने, और करने से मिल के मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश की। मुझे कहा लॉस सैंटोस में आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे सी फूड मिलेंगे खाने के लिए, लेकिन ये तो बहुत गलत हो गया, उसने मेरे बच्चे को ही खा लिया। अरे यार ये तो बहुत बुरा हो गया। तू आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहता था, अच्छा बनाना चाहता था, स्कूल में पढ़ाना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ तो तू अभी क्या करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन यार मेरी पावर कम हो चुकी है, मुझे एंटी वेनम को खाना पड़ेगा तब जाके मेरी पावर बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए एंटी वेनम उनके कब्जों में। अबे मतलब एंटी वेनम क्या होते है। अरे वो हमारे अपने चाचा के सिंपोर्ट्स होते हैं, उन्हें खाने के बाद हमें पावर मिलती है। अरे ऐसी बात है क्या, तो एक काम करना मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे, मैं उनको भगाता हूँ और फिर जाके तू एंटी वेनम की पावर छीन ले। अरे ऐसा नहीं होता, उसके लिए एंटी वेनम को अपने बच्चे को सिखाना पड़ता है, तू थोड़ी मेरा बच्चा है। अरे हाँ आइडिया, आज से मैं तुझे अडॉप्ट कर देता हूँ और तू एंटी वेनम का बच्चा बन जा। मैं क्या पागल है क्या, मैं एक इंसान का बच्चा हूँ। अरे थोड़ी देर के लिए, एक महीने के लिए। अरे ऐसी बातें, फिर वेनम और कार्नेज को मारने ना बस। अरे उसको मारने के बाद हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ तो चलो एंटी वेनम, मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हूँ। आज से मैं एंटी वेनम का बच्चा हूँ, एक महीने तक ये फ्रैंकलिन अपनी होशी और आवाज में बोलता है, मैं एंटी वेनम का बच्चा हूँ। अब क्या बोल, बोल दिया चल, एग्रीमेंट भी हो गया। अरे तू जल्दी चल, मैं तुझे ट्रेन करता हूँ उनको मारने के लिए। एंटी वेनम की पावर्स बहुत खतरनाक होती है, वो वेनम और करने से बहुत ताकतवर होती है। आ तो तू उससे मार खा रहा था। अरे अब मैं बोला ना, मेरे को सिंपोर्ट खाने तब तक मैं पावर बढ़ा सकूंगा। ऐसी बात है क्या, मेरे को तो सिंपोर्ट खाने की भी जरूरत नहीं है। हो तो तू मुर्गिया खा। अबे हाँ मुर्गिया खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो चल चलते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। फ्रैंकलिन एंटी वेनम का बदला लेके रहेगा कैरेज और वेनम एरो में। अरे मेरे सबसे फेवरेट मुर्गिया, मैं इसको खा रहा हूँ। अरे रुक जा। क्या हो गया एंटी वेनम, इसको खाना नहीं है, इसके बीच में बैठ, बस स्मेल लेने का इनका, खाने का नहीं इनको। अबे क्या बोल रहे, स्मेल लूंगा और खाऊंगा ना, मेरे मुंह के अंदर के जो बैक्टीरिया होती है वो बाहर आ जाएंगे। चलेगा लेकिन इनको खाने का नहीं है। अरे यार कितनी डिलीशियस है यार, खाना है। ओके फ्रैंकलिन अपने पापा की बात मानते हुए ये करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे हमारा फ्रैंकलिन अपने पापा यानी एंटी वेनम की बात मानते हुए उन मुर्गी के सामने बैठता है, उन्हें बहुत घंटों तक नहीं खाता, वो अपनी मनोबल की पावर्स बढ़ाता है, क्योंकि एक वेनम के लिए अपना माइंड कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे दिन ऐसे वो निकालता है, हर दिन वो आता था, बारिश हो या ठंडी हो फिर भी वो वहीं पे रहता था, अपने मनोबल को पावरफुल करता था। और पूरे के पूरे एक वीक के बाद फ्रैंकलिन अपनी मनोबल की पावर्स को अचीव करता है और आगे। अबे फ्रैंकलिन उठ जा। हाँ क्यों गया, मैंने मुर्गी नहीं खाई, मुझे भूख भी नहीं लग रही। मुझे जो चाहिए था तूने हासिल कर दिया है, अब जल्दी से जल्दी इनको खा 5 सेकंड के अंदर। ओके हाँ। ये क्या, मेरे अंदर पावर आने लगी। तूने मनोबल को अचीव करना सीख लिया, जल्दी जल्दी खा, टाइम नहीं है। 1 2 अरे रुक जा खा रहा, आ जाओ। 3 अबे यार इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत थी। अबे बेवकूफ मैं एक वीक से खाया नहीं था। तू अब इसमें बेकामयाब हो चुका है, और तेरे अंदर क्या क्या पावर चाहिए। मेरे अंदर मैं देख पा तो मैं बस भाग पा रहा हूँ और धुआं बन पा रहा हूँ। अरे तेरे अंदर एंटी वेनम की पूरी पावर आ गई। अरे अच्छा मैंने इन मुर्गियों को अपने सिंपोर्ट के पास रखा था, लगता है सिंपोर्ट के सारे अंश मुर्गियों के अंदर आ गए, तूने खा लिया तो तेरे अंदर पावर आ गई। अरे भाई साहब ये विदा बात। और एक ट्रेनिंग रह गई है, जाके ट्रेन को खींच। क्या कहा, ट्रेन को खींचू कैसे। मुझे नहीं पता, खींच
दिखा। ओके आ रहा हूँ मैं ट्रेन। आज मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है, एंटी वेनम को पूरी दुनिया में फेमस करना है, कार्नेज और वेनम को मारना है। मैं आ रहा हूँ ट्रेन। मुझे मेरे पापा ने कहा था ट्रेन को खींचने के लिए, मैं यहाँ पे प्लेन को खींचने के लिए आया हूँ। ये है लॉस एंटोस का एक लौता बहुत ही वजनदार और बहुत ही महंगा और बहुत ही बड़ा प्लेन। इसको खींच के मैं अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। मैं हूँ एंटी वेनम का बच्चा फ्रैंकलिन द 81। ये क्या, मैं इसको खींचने पा रहा? खींच रहा है, मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है। आजा आजा, मैं नहीं खींच पा रहा। बच्चे मैंने क्या कहा था ट्रेन को खींच, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना, प्लेन को खींचने जा रहा है। अब तू अपना फल भुगा, तू ये नहीं कर पाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप तुझे सिखा रहा था, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता। मेरे पापा को लग रहा है मैं गलत था। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जल्दी जल्दी अपने को एंटी वेनम के जैसे बनाना है और कार्नेज और वेनम का सर काट के पापा के कदमों पे रखना है। इसीलिए मुझे ये करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, यू कैन डू इट। याद कर कैसे एंटी वेनम को वेनम मार रहा था। मैं अपनी पूरी शिद्दत से इसे खींचूंगा। फ्रैंकलिन, यू कैन डू इट। खींच पाएगा तू? जोरदार जंप। मैंने खींच लिया इसको। पापा देखा, मैंने इस प्लेन को खींच लिया। अरे बच्चे, ये नहीं हो सकता, मैंने क्या देख लिया? हाँ आपने सही देखा, मैंने इसको खींच लिया था। अब इसको आसमानी सैर करने का टाइम आ चुका है। मैं इसको खींच पाऊंगा। पापा देखो, मैंने इस प्लेन को खींच लिया। बहुत भारी है, बहुत ऊपर लेके आ गया। इसको अपनी चले के जाने का टाइम आ चुका है। आजा पापा देखो। अरे क्या, टूट कैसे पा रहा है? पापा आप भूल गए, मैं बहुत सारे सुपर हीरो सुपर विलन सबसे ट्रेन हो चुका हूँ, सबका बेटा बन चुका हूँ। आपका अकेला का नहीं, इसीलिए मेरे पास बहुत सारी मार्वल की पावर है। मैंने ये कर दिखाया, मैंने आपका नाम रोशन किया। अब जा चके वेनम और कार्नेज को खत्म कर। आ रहा है फ्रैंकलिन। ये क्या हो गया? अरे ये कैसे मार जा गई? बच्चे तेरे पास पावर्स आ गई एंटी वेनम की, अब तू मार पाएगा उन्हें। कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तूने जो मुर्गियाँ खाई थी वो धीरे धीरे करके तेरे शरीर के अंदर पच चुकी है। इसकी वजह से उनके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, उनके सारे के सारे सिंपोय छोटे छोटे हिस्सों में तेरे अंदर पच चुके हैं और तेरे पास पावर्स आ गई। ऐसी बातें क्या, तभी तुझे इतना ताकतवर कैसे हो रहा था? पहले मैंने अपने मनोबल को कंट्रोल किया, फिर मनोबल को खाने में यूज किया और इतना खाना खाया कि एंटी वेनम जैसे मैं ताकतवर बन गया। अब मैं बनूंगा मेरे पापा का सबसे प्यारा एंटी वेनम। रुक जाओ वहाँ पे। क्या हुआ? वो हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर मैंने तुझे एक सूट भेजा है, वो ले ले। ओके पापा ले रहा हूँ। ये क्या बन गया मैं? अरे भाई साहब, पापा आपने तो क्या सूट भेज दिया है, ये तो मेरे को परफेक्ट सूट हो गया। पापा मुझे वेनम एंटी वेनम कहाँ पे मिलने वाला है? बेटे करने और वेनम तुझे मिलने वाला है इस दुनिया के अलग अलग डायरेक्शन में, यानी ईस्ट और वेस्ट। ओके पता चल गया मुझे, पहले जाऊंगा ईस्ट पे और खत्म करूंगा वेनम को। हाँ वेनम पापा का बदला लेने आ रहा है। टीम फोर शूटर, मैं यहाँ पे आ चुका कहाँ पे वेनम? अरे बच्चे वो देख, वो रेसिंग बॉय। अबे लेकिन ये तो काले। अरे इसने मेरे सिंपल को काला कर दिया, इनको कहा तेरी पावर पड़ेगी। ऐसी बातें, अब इनको खाता हूँ। यार कितना गंदा पानी है, देखो गाइस यार इतना गटर का पानी है, ये गटर के पानी वाले को खाओ। हाँ काले, आप बोल रहे, मैं कह रहा हूँ मैं कहूँगा मुझे वेनम को खत्म करना है। आ जाओ अब, पेट बहुत हो गया, आप सबको खाने का टाइम आ चुका है। आ जाओ मेरे अंदर एक साथ, सबको खा लिया पापा। अरे बच्चे सामने देख वेनम। ये क्या हो गया, मेरे बच्चों का मार दिया? तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू जो भी है। अबे जो भी नहीं है, याद आया वो कार से टक्कर? फ्रैंकलिन तू है? हाँ मैं हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। आ जा इधर। हाँ छोड़ दे। नहीं ये क्या हो गया, अब तेरे को खाऊंगा भी। पापा ये क्या बन गया मैं? अरे तेरे अंदर वेनम की पावर्स आ गई, तो पावरफुल हो चुका है। ऐसी बातें, ओ भाई साहब, अब तो कार्नेज को मारने में बहुत मजा आने वाला है। अभी इसके विलन को खत्म किया, अब चलते वर्स। हाँ, आ रहा है एंटी वेनम का बच्चा यानी फ्रैंकलिन द 81। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ये रहे कार्नेज और उसके बच्चे। कार्नेज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तेरे बच्चे को खाने के लिए। हाँ ये लो ये लो। हाँ मेरे बच्चों को छोड़ दे। तो तुझे मारूंगा, ये का
ये ले, हाँ, ये का, ये ले, तेरे को छोड़ने वाला कहाँ पे भाग रहा है? अरे मेरे बच्चों को मारा तूने, अब रुक मैं बैकअप लाता हूँ। बैकअप लाएगा? किसको बुलाएगा? वेनम को बुलाएगा, इविल वेनम को बुलाएगा, किसको बुलाएगा? ये ले, ये ले। बच्चे छोड़ना मत, इसने तो यार तेरी बम को मार दिया था। मेरी बम को मार दिया था। चल चल लो। बम का बदला लेकर आएगा फ्रैंकलिन द एंटीवेनम। बच्चे बस हो गया बदला पूरा। आजा बच्चे, हम फिर से चले जाते अपने ग्रह। आ रहा हूँ पापा, मैं अपने ग्रह जाने, मैं आ रहा हूँ एंटीवेनम पापा। चलेंगे फिर से हमारे एंटीवेनम ग्रह पे। और इस तरीके से एंटीवेनम और मैं एंटीवेनम प्लेनेट जाने वाले होते, लेकिन शुक्रगुजार है मुझे याद आ जाता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक महीने तक ही था, और एक महीना खत्म होने के लिए बस चंद ही लम्हे होते हैं, और उसके बाद एक महीना खत्म हो जाता है और मैं एंटीवेनम की पावर लेके वहां से निकल जाता हूँ। ये थी मेरी कहानी, आपको कैसी लगी? टीम फोर शूटर की जुबानी, कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी करना मत भूलना। मिलेंगे ऐसे ही अनदर खतरनाक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।